हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है कल की तैयारी आज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या करने वाला है। ठीक है, जो डेट रहेगी हमारी वो रहेगी 24 दिसंबर 2019। देखिए निफ्टी में हमने जो लेवल दिया था 12,200 के आसपास, 215-10 के आसपास वहां से बाउंस लेगा और निफ्टी ने एक्चुअल वहां से बाउंस लिया। तो देखो निफ्टी क्या कर सकता है, एक रेंज बिता सकता है। ठीक है, देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, आज वैसे भी आउटकम आना था, एग्जिट पोल आना था, जो झारखंड में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका रिजल्ट था आज। ठीक है, एग्जिट पोल था और 25 को क्या है, हमारा हॉलीडे है। तो कल मार्केट वैसे भी देखो लेस वॉल्यूम ट्रेड करने वाला है, तो निफ्टी हो सकता है देखो एक रेंज क्रिएट करे। तो अभी आपको निफ्टी को उतना छेड़ना नहीं है, हाँ निफ्टी एक रेंज में हो सकता है। ठीक है, तो हमको फिर से देखो निफ्टी कब लेना है, हमें फिर से निफ्टी को कब लेना है, 12,200 के आसपास, जैसा कि हमने आज लिया 12,200 से 70 पॉइंट का हमें मूव मिला ऊपर से। ठीक है, नीचे से राइट। जहां तक बात करें बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल लेवल को हमें हमारे रिस्पेक्ट दिया, लेवल ऑलमोस्ट 32,170 के आसपास आया और वहां से बाउंस लिया। तो बैंक निफ्टी में भी हमें डिप में बाय करना है राइट। आपका स्टॉप लॉस होगा 32,100 का। ठीक है, और जब भी नीचे है आपको बैंक निफ्टी में बाय करके चलना है। तो अब चलते हैं और जान लेते हैं कल के लिए कौन से वो दो स्टॉक हैं। तो स्टॉक का नाम जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहिएगा और जो भी नयवान है वो सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को। जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस को हमको अगेन बाय करके चलना है। ठीक है, देखो इन्फोसिस कब कब के कितने के पास मिले तो बाय करके चलना है हमें, 733 के आसपास में जब मिले हमें इन्फोसिस को बाय करके चलना है। अगर मान लीजिए इन्फोसिस यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, अगर मैं बात करूं 730 या 726 के लेवल पे भी आ जाता है, तो वहां पे आप दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल देख के वहां पे आप बाय कर सकते हैं इन्फोसिस को। ठीक है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 723 का और जो आपका टारगेट होगा वो होगा 732। मैं लिख देता हूं एक सेकेंड, जो आपका टारगेट होगा 732 और 736 का आपका टारगेट होगा इन्फोसिस में। दोस्तों मूविंग ऑन, जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है जस्ट टायल। दोस्तों देखो कल मैं आपको बता दूं, देखो इन दिनों क्या है, इन दिनों वीकेंड चल रहा है। ठीक है, एफआईआईज बाहर गए हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इस टाइम पे क्या क्या होगा मार्केट में, वॉल्यूम कम ट्रेड होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम ट्रेड होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन मूड में आएगा, तो आपको ये चीज ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है जस्ट डायल। देखिए जस्ट डायल हमको बाय करके चलना है। ठीक है, जब तक जस्ट डायल 580 के ऊपर रहे, ठीक है, तो फाइव, देखो पहली बात तो 580 के ऊपर रहे, दैट मींस आपका 580 क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है, 580 स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर 580 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल दिखता है, और आपको पता है कि क्या पावर है दो कंसेक्यूटिव ग्रीन या रेड कैंडल की, तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू गो फॉर द बाय ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो आप यहां पे बाय करके चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होगा इन्फोसिस में, जो आपका टारगेट होगा जस्ट डायल में, वो होगा 590 का। ठीक है, मैं लिख देता हूं 590 और 595 का आपका टारगेट होगा जस्ट डायल में। सो यही है कल के लिए दोस्तों। मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें लेवल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट इन दिनों रिएक्ट इसी प्रकार से करने वाला है। ठीक है, मार्केट में लोगों की पार्टिसिपेशन कम होंगी राइट, तो आपको भी कॉशियसली ट्रेड करना है राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा और जो भी मेहमान है वो सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को। और दोस्तों हमारा ट्रेनिंग बैच लाजपत नगर में होने जा रहा है 29 दिसंबर को, तो लास्ट सीट है हमारी इस महीने की, आप जाइए और सीट बुक करवाइए। ठीक है, और अगर हम बात करें देखो कल की परफॉर्मेंस की, देखिए हमने तीन एनालिसिस की थी। ठीक है, पहला इन्फोसिस, दूसरा BEML, तीसरा बालकृष्ण इंडस्ट्री। ठीक है, देखो इन्फोसिस तो हमारे मतलब एज पर द एनालिसिस गया, जो BEML है और जो बालकृष्ण इंडस्ट्री है, देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री, देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री नीचे गया था लेकिन उसने पूरा टर्न अराउंड हो वो पूरा टर्न अराउंड हो गया। क्यों हुआ, और BEML क्यों टर्न अराउंड हुआ नीचे से, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे थे आज राइट। तो
इसीलिए हमारे लेवल्स नहीं काम किए। दोस्तों देखिए, कई लोग अब ये बोल रहे होंगे कि आपका लेवल काम नहीं किया BEML और बालकृष्ण इंडस्ट्री का। दोस्तों मैं PTS बिल्कुल श्योर शॉर्ट एनालिसिस देती है, गलत हो जाएगा लेकिन मैं आपको कभी भी दो राय नहीं बताता हूँ बाकियों की तरह, ठीक है। देखिए मैं अगर बात करूँ बालकृष्ण इंडस्ट्री की, तो देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री ये ऊपर गया था, ठीक है, ऊपर गया था, राइट। ये यहाँ पे मॉर्निंग में कोई भी दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल नहीं थी, बस देखो एक कैंडल, एक बार हमें दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल मिला था। अगर किसने यहाँ पे लिया होता, ठीक है, यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ पे एक बार दोबारा कंसेक्यूटिव ग्रीन रेड कैंडल मिला, बेचा किसी ने, ₹10 का प्रॉफिट मिला। बात करें BEML की, BEML में देखो यहाँ पे केवल मॉर्निंग में, मतलब इस क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला था, उछाल में बेचना है, तो उछाल हमें कहाँ मिला, यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल दिखी, लेकिन किसी ने यहाँ पे बेचा, अच्छा खासा आपका मुनाफा मिल गया। देख रहे हैं आप, पूरा लगभग ऑलमोस्ट बढ़त गंवा के बंद हुआ। तो देखिए उस टाइम इलेक्शन के आउटकम आ रहे थे, सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा इसने बाउंस बैक कर दिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, और कमेंट सेक्शन बताइए हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है।